फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ नेम। माय नेम इज़ साक्षी। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपके नाम से रिलेटेड जानकारी देते हैं, जैसे आपके नाम का मतलब, आपकी राशि, लकी नंबर, लकी डेट, लकी दिन, लकी कलर, लकी स्टोन, लकी मेटल। सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्योतिष शास्त्र में अपने नाम से अपना भविष्य जानना बहुत पुरानी बात है। नाम दो तरीके के होते हैं, राशि नाम और प्रचलित नाम। राशि नाम वो जो हमारी जन्म कुंडली से निकाला जाता है और प्रचलित नाम वो जिसे सब लोग हमें बुलाते हैं। जिन लोगों को अपनी जन्म कुंडली नहीं पता या अपनी जन्म तारीख नहीं पता, वो अपने नाम के हिसाब से अपनी राशि मान सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ नैतिक नाम के बारे में। उससे पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नैतिक नाम का मतलब होता है गुड इन नेचर, मतलब प्रकृति में अच्छा। नैतिक नाम की राशि होती है स्कॉर्पियो, मतलब वृश्चिक। बात करें इनके लकी नंबर की, इनका लकी नंबर है 9, मतलब 9। 9 नंबर नैतिक नाम के लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में बहुत ही लकी साबित हो सकता है। बात करें इनके लकी दिन की, तो इनका लकी दिन है संडे एंड ट्यूसडे, मतलब रविवार और मंगलवार। अगर बात करें इनके लकी कलर की, तो इनका लकी कलर है रेड एंड लाइट ग्रीन, मतलब लाल और हल्का हरा। और बात करें इनके लकी स्टोन की, तो इनका लकी स्टोन है टोपाज। नैतिक नाम के लोगों को टोपाज रत्न बहुत ही सूट करेगा। लकी मेटल्स की बात करें, तो इनका लकी मेटल है कॉपर, मतलब तांबा। अब बात करते हैं नैतिक नाम के लोगों के स्वभाव के बारे में। नैतिक नाम के लोग काफ़ी आक्रामक स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा दूसरों पर दबाव बनाकर रखते हैं। नैतिक नाम के लोग हमेशा पहले अपने बारे में सोचते हैं। नैतिक नाम के लोग ज़रूरत के समय अक्सर काम आते हैं। वह प्रेम संबंधों में सबसे अच्छे साबित होते हैं। ये तभी तक किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जब तक उनके साथ रहते हैं। दूर होने पर इनका भरोसा भी खत्म हो जाता है। इस नाम के लोग गुस्सेल और आक्रामक होते हैं। अगर आपका नाम नैतिक है तो कमेंट बॉक्स पर अपना नाम ज़रूर लिखें। अगर आप अपने नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपना नाम ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।